रहा है और इसके अलग अलग राउंड है। तो राउंड वन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राउंड टू भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट रिजल्ट प्रिपेयर है, आज जो बच्चे हैं उनका भी इन्वॉल्व करके फाइनल रिजल्ट बना के कल तक आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, कल मैक्सिमम और परसों, या तो कल आ जाएगा या तो परसों आ जाएगा, राइट। उससे पहले इस कॉन्टेस्ट का मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि कॉन्टेस्ट डिजाइन कैसे हुआ था। सो आप सबने बच्चों की ड्रॉइंग शीट देखी है ना, उसमें एक वर्ड था नेट जीरो इमिशन, राइट। सो वो क्या होता है, जैसे आप इमेज देख रहे हो फ्लड की, ये बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है उसकी, वोल्केनो आ रहे हैं उसकी, आग लग जा रही है जंगलों में वो वाली, राइट। ये बहुत सारी इमेजेस है, तो ये इमेज लिंक करती है कार्बन एमिशन से, वायुमंडल से, हमारा वायुमंडल बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है उससे, ये सबसे। सो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वर्ड जब सबमिट होता है, सारे दुनिया की देश एक साथ सबमिट पे बैठते हैं, तो वो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हर देश को अपना एक टारगेट रखना पड़ेगा कि तब तक वो देश, जैसे होता था ना पहले पोलियो के बारे में टारगेट, इसके बारे में टारगेट, उसके बारे में, तो इसका टारगेट दिया गया है कि एक डेडलाइन डिसाइड करो कि तब तक तुम अपने देश को कार्बन नेट जीरो कर लोगे। नेट जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि एमिशन बंद हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं होता, कार्बन सब में होता है। पर होगा क्या, ये होगा जितना एमिट हो रहा है थोड़ा बहुत तो एमिशन में कमी आई, और थोड़ा बहुत उसके ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए टीम, ऑब्जर्वेशन के लिए टीम हो, ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग टूल्स हो, राइट। सो इसके लिए तीन मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती है इस पोल्यूशन में, मेजरली इंक्राइज हो होता है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन, सो एनर्जी मीन्स आपकी जो ये लाइट बनती है ना, ये बनती है कोयले से, करेक्ट, और कोयले से बनती है तो इसमें से धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है और अपने एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल होती है। सो इसको रोकने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए बहुत सारे सोलर सिस्टम्स और सोलर पे इनपे सब्सिडीज आ रही है, आपको बहुत सारी सब्सिडी आ रही है सोलर पे, वो इसीलिए देती है, राइट। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्शन में ऐसे होते हैं जो गैसेस वगैरह निकलती है उसमें होता है, राइट। एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में कैसा, सीटर जो होते हैं रैंडमली, जब आप मुझे बोलेंगे मैं रुक जाऊंगा, वही क्वेश्चन है बच्चे से पूछूंगा, कैन आई स्टॉप, रुक जाऊं मैं, ओके, रेडी, टू अगेन टू, वन थ्री वन, नाइन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, राइट, क्लियर फॉर द किड्स, बताता हूं क्यों। चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, करें, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, बोला था क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ओके, ये सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए क्या है, एक क्वेश्चन करके देखो, फोर लेस वन एड वन, एड वन लेस टू, एड वन लेस टू, कितना आंसर आया, फाइव आया आंसर, नहीं। सेम क्वेश्चन को आप इस तरह से समझो, एक पार्किंग है जिसमें चार कार खड़ी है, उसमें से दो कार चली गई, फिर से एक कार आ गई, दो कार चली गई, एक और कार आ गई, एक और कार आ गई, एक और कार आ गई, कितना आंसर आया, फोर आ गया, चार पांच छह सात लोगों को बाकी ने देखा नहीं। जैसे ही मैंने कार बोला, आपकी विजुअल मेमोरी एक्टिवेट हुई और आपको विजुअली वो कार्स कहीं ना कहीं दिखने लग गई, रेडी बेटा, फाइव एट वन लेस वन, सिक्स एट लेस सेवन, फाइव नाइन फोर, दैट इज 38 is the correct answer. Very good, right? Can I stop? Ready? 8, 9, less 2, 4, 9, 8, less 3, 2, 1, less 4, 9, 2, less 5, 7, 1, 4, 6, 8, less 8, 3. That is 59. 59 is the correct answer. Very good, right? So,